रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए, आप में से कोई पत्रकार हमारे, बल्कि चाचा जी का नाम उस पर भी है संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था, और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था, जो इन्होंने बताया है वो सच है, और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी, किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे, और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे, और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे, जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेलियो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे
कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी, सामूहिक अर्जी हम लगा देते, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई आज, चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा, और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो, ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह है अर्जी, स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंद जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ, और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा, कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण, इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की। हाँ, और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं, और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी, और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको अब विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह? अब है तो कठठरी बर आई हो। हाँ, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है हाथ उठाओ, पक्का पक्का पक्का। अरे पागलो,
चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कर आएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे, आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकॉट करेगा, हाथ उठाओ। तो मैं शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकॉट करवाएगा अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो? बाइकॉट करोगे न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को? हमारा नहीं, सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकॉट करेगा? पक्का पक्का पक्का। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।